पाकिस्तान में रहते हुए घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करने का आसान तरीका। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विद इन कोर्स अर्निंग कर रहे हैं। आप किस किस तरह से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अपने जैसे एक लैपटॉप, एक अच्छे इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। ये पैसिव इनकम सोर्स है, यानी कि एक ऐसा काम है जिसे आप एक दफा करेंगे और सारी जिंदगी आप कमाई करेंगे, चाहे आप सो भी रहे हो। आज की इस वीडियो में आपकी मुलाकात करवानी है अनाबिया से, जो हमारे साथ मौजूद हैं और ये हाउसवाइफ होने के साथ साथ दो बच्चों की कफालत भी कर रही हैं, अपने खामत को भी वक्त देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये डेली का तकरीबन 1,00,000 रुपए कमा रही हैं ऑनलाइन बिजनेस करके। इन्हीं से ही बात करते हैं और इनसे सबसे पहले तो जानते हैं कि ये अपने सारे काम काज के साथ बिजनेस को किस तरह से वक्त देती है, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं, और फिर एक दिन का 1,00,000 रुपए कमाना आसान नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहुत तरह के फ्रॉड भी किए जाते हैं। तो आज अनाबिया से ही जानेंगे कि इनका बिजनेस क्या है और ये किस तरह उसको लेके चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आई एम फाइन। चलिए अच्छे जी, शुक्र। अच्छा, मैं सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप बिजनेस के साथ साथ घर के सारे मामलात और किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। इस तरह मैनेज करें कि जो हमारा काम है वो काम ही इस नेचर का है कि हम अपने घर में अपने जैसे एक लैपटॉप, एक अच्छे इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, लाइक मैं कहीं जाऊँ, कहीं ऑफिस टाइमिंग जाऊँ, या मैंने किसी पर डिपेंडेंट होना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऑफकोर्स शादी के बाद में अगर आपके कोई भी मामला ऐसे है कि आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते, तो जस्ट 1 या 2 घंटे देने के साथ आप अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आप तो जिस तरह से मैम डेली का तकरीबन 1,00,000 रुपए तक कमा रही हैं, आपका बिजनेस क्या है और किस तरह से अर्निंग होती है? हमारा बिजनेस है बेसिकली बुक पब्लिशिंग, यानी कि बुक्स को पब्लिश करना। हम USA, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट बाहर के ममालिक में अपना स्टोर रन करते हैं, अपनी ऑनलाइन शॉप चलाते हैं जिसमें हम ऑनलाइन बुक सेल करते हैं। और बुक्स जैसे आपको पता है कि एक दफ़ा लिखी जाती हैं, एक दफ़ा बनाई जाती हैं और सारी ज़िंदगी हम उनसे कमाई कर सकते हैं। ये पैसिव इनकम सोर्स है, यानी कि एक ऐसा काम है जिसे आप एक दफ़ा करेंगे और सारी ज़िंदगी आप कमाई करेंगे, चाहे आप सो भी रहे हो। तो इसलिए आपको इतना एक दफ़ा मेहनत कर लें, उसके बाद आपको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट चेक एंड बैलेंस करते रहें, उसको अच्छे तरीके से डील करते रहें, तो 1 या 2 घंटे दे के भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि हम बुक्स जो है सेल करते हैं, तो किताबें पढ़ने का तो मैम आजकल इतना रवाज ही नहीं है, तो आपकी किताबें जिस तरह आपने बताया बाहर के ममालिक में लोग फिर पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जो स्टोर्स होते हैं वो UK, USA, कैनेडा बेस होते हैं और वहाँ पे लोग पढ़ते हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ के जो अवाम है वो ऑनलाइन रीडिंग, ऑनलाइन लर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा माइल है। ठीक है, इसी तरह हम जो काम करते हैं वो अमेजन किंडल पे करते हैं। अमेजन किंडल बेसिकली, अमेजन को तो आप सब जानते हैं, अमेजन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। किंडल जो है वो अमेजन की एक अपनी डिवाइस है, ऐसी डिवाइस है जैसे आपके पास आईपैड होता है, आईफोन होता है, आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। इस पे सिर्फ ऑनलाइन बुक्स पढ़ी जाती हैं, आप इसको चलती फिरती बुक शॉप कह सकते हैं, लाइब्रेरी कह सकते हैं, जिसको आपने एक दफ़ा डिज़ाइन करना है, एक दफ़ा अपलोड करना है, एंड दैट्स इट। उसके लिए आपको USA बेस्ड अमेजोन का स्टोर चाहिए जो प्रॉपरली लीगल रजिस्टर हो, और देन आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट्स इट। अच्छा मैम, आपको ये आइडिया किस तरह से आया कि इस तरह से बुक जो है वो लोगों के लिए पढ़ने के लिए आप अमेजोन पे कर सकती हैं? और फिर खास तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि अभी तो आप दिन का 1,00,000 तकरीबन कमा रही हैं, और हम अपने नाजरीन को वो भी दिखाएंगे जो ये डेली का अर्निंग कर रही हैं, उसके आपको स्क्रीन शॉट्स भी दिखाएंगे एविडेंस के साथ, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि स्टार्ट में अर्निंग क्या थी और कितना टाइम आपको करते हुए हो गया कि अब आप डेली का 1,00,000 कमा रही? टाइम तो है बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 2015 में मैंने लीगली अमेजोन किंडल को स्टार्ट किया था, बिकॉज उससे पहले मैं डिफरेंट काम कर रही थी। लेकिन जी 2015 से मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मतलब 2015 से बुक पब्लिशिंग का काम कर रहे हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करते हैं। अब उसमें ये होता है कि जब आप एक दफ़ा सेटल कर लेते हैं अच्छे तरीके से अपने स्टोर को, तो ये आपके, मैंने कहा ये शॉप है, तो शॉप को आप एक दफ़ा डिज़ाइन किया, अब आपको मंथली बेसिस पे उसका रेंट जैसे आता है किसी बिल्डिंग का, इसी तरह आपको शॉप से पैसे आने लग जाते हैं, दैट्स इट। ये चीज़ होती है। आपको आइडिया कैसे आया था? आइडिया ऐसे आया था कि बिकॉज हम, मैं बिलोंग करती हूँ ऑनलाइन फील्ड से, और स्टार्टिंग से ही मेरा शौक था लर्निंग की तरफ, चीज़ों की तरफ, तो हम इस चीज़ को देखते हैं। जैसे हम ई कॉमर्स में करते हैं तो अमेजोन में डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, PL है, होलसेल वगैरह, तो उसमें सर्च करते करते, क्योंकि मुझे बुक रीडिंग वगैरह का शौक था, तो हमने अमेजोन किंडल को भी एक्सप्लोर किया। लेकिन किंडल का मसला ये कि लोग पाकिस्तान में स्पेशली समझते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपके पास PhD की डिग्री नहीं है, FA BA नहीं किया हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि पाकिस्तान इससे दूर रहा। ऐसा नहीं है, ये चलती फिरती, जब इसे बुक शॉप कहते हैं तो आप एक अंडरस्टैंड करें कि बुक शॉप में नोटबुक्स भी होती हैं, जिसे आम जबान में हम बच्चों की कॉपियां कहते हैं, ठीक है, आप वो भी बना सकते हैं, आप बच्चों की ड्राइंग बुक्स बना सकते हैं, आपको अगर कहानियां लिखना अच्छा लगता है तो आप वो कर लें, अगर आप MA पढ़े हुए हैं, BA पढ़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं,
आपने LLB किया हुआ तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बुक्स का जो काम है वो हर बंदे के लिए, बुक पब्लिशिंग कोई नया बिजनेस नहीं है, ये सदियों पुराना बिजनेस है, लेकिन वक्त की ज़रूरत के साथ साथ हम इसको बदल रहे हैं। जैसे दौर बदल रहा है, दौर AI की तरफ चला गया, डिजिटलाइज हो रहा है, हम अभी तक किताबों में कागज़ों में घुले हुए हैं, तो फिर वो घुमे होंगे तो फिर मसला तो हम वहीं पड़े रहेंगे ना, हमारी अर्निंग वहीं पर रहेगी। अगर हमें डॉलर्स में कमाना है तो हमें ऐसी टेक्निक्स, ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि आने वाले वक्त का हिस्सा है, और आने वाले वक्त में ना सिर्फ हमारे हमारे बच्चों के लिए भी एक अच्छा इनकम ऑफ सोर्स बनेगी। अच्छा अनाबिया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि ऑनलाइन बिजनेस को लोग अक्सर समझते हैं कि यार फ्रॉड होगा, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाते नहीं है। आपको तो आइडिया था, आप इन चीज़ों को समझती थी, आपने ये स्टेप लिया, अब जो लोग ये करना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी, उनके लिए क्या मैसेज? लेकिन जो लोग करना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करें कि आप जिस अदारे से, जिस बंदे से लिंक कर रहे हैं वो उसका मतलब प्रॉपर उसकी अथॉरिटी चेक करें। आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान में मसला ये कि अगर कोई कहता है ना कि आपको इजी मनी चाहिए, बेसिकली इशू है कि पाकिस्तान के बच्चों को ईजी मनी चाहिए, हमें कुछ करना भी ना पड़े और हम अर्निंग करना शुरू कर दें। हम 20-25-30 साल लगाते हैं MBA करने में, लाखों करोड़ रुपये अपनी डिग्रियाँ करने में लगा देते हैं, उसके बाद तनख्वाह कितनी लेते हैं 20-25 हज़ार, और फिर नौकरी ढूंढने के लिए भी हम रुलते हैं। अगर आप एक 3-4 महीने का कोर्स करते हैं जिसमें आपको प्रॉपरली एक अच्छा आपका स्टोर भी क्रिएट करवा के दिया जाए, जिसमें आपको 7-8 स्किल्स भी मिल जाती हैं, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप अपनी शॉप भी रन करते हो और आप इस काबिल हो जाते हो कि आप कुछ नहीं तो महीने का 100 से 200-300 डॉलर तक आराम से इजिली स्टार्टिंग मैन कर सकते। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विद इन कोर्स अर्निंग कर रहे हैं, और माशाल्लाह फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल होती हैं हमारी, तो उसमें प्रॉपरली। अच्छा, मतलब आप खुद भी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस भी देती हैं, स्टूडेंट्स आपसे सीखते भी हैं? बिल्कुल, हमारा अदारा सर्विस भी प्रोवाइड करता है, हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी क्लासेस भी चलती हैं जिसमें डिफरेंट टीचर्स वगैरह हमारे UK, कनाडा और पाकिस्तान के बच्चों को टीच भी करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइडर एंड एज अ इंस्टीट्यूट दोनों काम कर रहे होते हैं। बाकी आज तो माशाल्लाह आप एक दिन का तकरीबन 1,00,000 रुपए कमा रही हैं, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने सोचा था कि ये मेरी अर्निंग इतनी ज़्यादा होगी, या तब ये प्लान था, या साथ करते करते ही वो खुद ब खुद ही होता गया? नहीं, ऐसा नहीं था कि मतलब कि प्लान था या समथिंग लाइक दैट, अगर थोड़ा सा इसको बाकी बच्चे अक्सर तो लोग जानते हैं, लेकिन इसमें यह कि आपकी जो मेरी फर्स्ट अर्निंग Amazon Kindle से आई थी वो $300 थी, $300 थी, क्योंकि मैंने इसको डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रही थी ऑलरेडी, ऐसा नहीं था कि मैंने फर्स्ट टाइम Amazon Kindle ट्राई किया था। तो Amazon Kindle मैंने 2008 में शुरू किया था और मैं अकाउंट बना के भूल गई हुई थी बिकॉज क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बिजी थी। तो 2015 में मैंने गॉट मैरिड, और मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके लिए मुझे बाहर किसी से इंट्रैक्शन ना हो और मैं अपने घर में बैठ के आराम से काम करूँ, तो किंडल से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं थी। यानी कि मैंने अपने घर में बैठना, लैपटॉप पर मैंने काम करना, मैंने 2 किताबें बनाई, 1 किताब बनाई, मैंने अपलोड कर दी और मुझे अर्निंग आ रही आराम से बैठे हुए, साथ साथ मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी, किसी के लिए बुक लिख दी, किसी के लिए काम करी, तो आपको पैसे मिल जाते हैं और आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए मेरी पहली अर्निंग $300 किंडल के स्टोर से थी, और अगर आप वैसे बात करें तो मेरी जो अर्निंग वैसे आई थी वो तकरीबन $1,000 के राउंड अबाउट थी जो मुझे मिली थी। माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा कमा रही हैं। अच्छा, कमाने के साथ साथ होता क्या है कि अक्सर जो खवातीन होती हैं वो उनकी डिमांड जो होती हैं अपने खामत से होती है, मियाँ जी से होती हैं कि मुझे ये चाहिए या ये लेकर दें, तो आप जब खुद इतना अच्छा कमा रही हैं तो आप भी अब भी अपने खामत से कुछ अपनी आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं या जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो उन्हीं से मांगती हैं या खुद ले रही हैं? नहीं, बेसिकली वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना, तो वही करते हैं। बिल्कुल, वो उनकी जिम्मेदारी है। अपने पैसे का आप क्या करते हैं? मेरे बहुत सारे अपने मामला भी होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे इस चीज़ में डिस्टर्ब नहीं किया एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिंग टू मी, और ऑफ कोर्स एक हस्बैंड की सपोर्ट बड़ी मैटर करती है इस चीज़ में। तो ऑफकोर्स जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, वो पूरी करते हैं। मेरे अपने हैं ऑफकोर्स, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम वेलफेयर पैकेज भी देते हैं, जैसे क्योंकि हमें USA के अकाउंट्स चाहिए होते हैं, टैक्स नंबर चाहिए होते हैं, तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम अकाउंट्स वगैरह बना के देते हैं, तो 75% ऑफ या इस तरह मैनेज करते रहते हैं, जो डिटेल्स हैं वो मिलती रहती हैं कॉल सेंटर से आपको। और बाकी जब आपकी फैमिली को पता चला कि अनाबिया इतना अच्छा कमा रही है, जो आपका इर्द गिर्द सर्कल था, आपकी कजन्स वगैरह, तो उनका इस पर क्या रिएक्शन था? अच्छा रिएक्शन होता है, सिंपल सी बात है कि जब आप कमाई करते हैं और अच्छा अर्न कर रहे हो और इज्जत से कमा रहे हो, सबसे बड़ी बात है कि आप इज्जत से कमा रहे हो और अपने पाँवों पे खड़े हो, तो चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके फैमिली है, इवन दो मैं कहती हूँ आपके बहन भाई भी आपकी तभी इज्जत करते हैं जब आपके पास अच्छी अर्निंग होती है। और ये हकीकत है दुनिया की सबसे बड़ी, आपके बाद अगर आपको माँ बाप सिंसेयर हैं तो माँ बाप के पास सिर्फ एक पैसा है जो आपको इज्जत दिलाता है, अदरवाइज मैं नहीं समझती कि
हम इमोशनली बातें कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हैं तो आपकी रिस्पेक्ट की जाती है, अगर आप अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं तो आपको वो इज्जत कभी भी नहीं दी जाती जो पैसे वाले को दी जाती है। तो अपने सोचना चाहिए, पेरेंट्स का फैसला करना चाहिए। जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी, उन्होंने मुझे इस तरफ आने दिया शुरू से। शादी के बाद मेरे हस्बैंड की भी सपोर्ट थी, उन्होंने मुझे आने दिया। और जो बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं जिनको नहीं सपोर्ट है, इवन तो वो चोरी भी पड़ती हैं, मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो चोरी चीज़ को शुरू करती हैं और माशाल्लाह वो जब अर्निंग करने लग जाती फिर वो अपने घरों में बताती हैं। कभी किसी दोस्त की आपकी कॉल आई हो आपकी फ्रेंड की कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया या गैस का, तो अनाबिया बहुत पैसे हैं कुछ हमें दे दो ताकि बिल पे कर लें, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं। अव्वल तो मेरे जो ऐसे फ्रेंड्स उधार तो मांगती हैं। हाँ, फ्रेंड्स उधार जरूर मांग लेती हैं, लेकिन जब कमा रहा हो तो उनका होता है कि उधार ही देते हैं। हाँ बिल्कुल, हो जाता है फ्रेंड्स में तो चलता रहता है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जैसे मैंने आपने भी मेरे से पूछा भी था, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं आप उनको खुद ही चेकआउट कर रहे होते हैं, उसके लिए किसी का कहना ज़रूरी नहीं होता। आप अपने लव वंस की और आपके इर्द गिर्द जो फैमिली होती है खुद ही केयर करते हैं जब आपके पास पैसे होते हैं। अगर आपने माँ बाप को भी फैसिलिटेट करना है और उनका अच्छी ज़िंदगी देना चाहिए, इवन दो कि मैं कहती हूँ कि अगर आपने पेरेंट्स का उनकी ओल्ड एज में इलाज भी करवाना है ना, और आप उनको अच्छी फैसिलिटेशन देते हो, आपका पैसे होंगे तो आप उनको अच्छी मेडिसिन भी लेकर दे सकेंगे, क्योंकि ये रियलिटी है। हम दैट्स द मेन थिंग। बिल्कुल जी, जिस तरह से अनाबिया ने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही सिर्फ उसकी इज्जत की जाती है जो पैसे कमा रहा हो, अपना अच्छा काम कर रहा हो। इन्होंने एक स्टार्ट लिया घर से और कह रही हैं कि सिर्फ 2 घंटे देरी थी पहले स्टार्ट में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना जो है सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रही हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि ये पाकिस्तान की बाकी खवातीन को भी ये काम सिखा रही हैं ताकि वो भी घर बैठ कर अर्निंग कर सकें। और आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।